जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थीं। यही वजह थी कि अब सभी पक्षियों के घरों में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें कि रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिशों से सख्त नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती हैं, अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। दो चार दिन की ही तो बात है, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं तो मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर करके जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक बाली गेहूं की लेता है और सीधा जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठकर खाने लगता है। चिड़िया, बहुत मजे के हैं ये दाने। मम्मा मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से कुछ दाने लेकर देना। काले कौवे, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे को ऐसे ना तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी ना ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। बहुत मजा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास भोजन है, बाकी सब भूखे हैं भूखे। ऐसा कहते हुए कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भर कर कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं। खजां के बाद बहार जरूर आती है। आप देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर तो कुकू एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाजा हटाता हूँ। फिर कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपना घर नया बनाया है, उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप और इतनी बारिश में? टूट गया चिड़िया, हमारा घर टूट गया।
चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी बाहर आता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोले, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। बेचारा मिठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है और मिठू भी घर के अंदर आ जाता है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है, 5 रोज से तो बारिश है, खाने को क्या मिलेगा। कल वो काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, वो सब भूखे थे। मिठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही भोजन की खोज को निकलेंगे। मिठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में। चिड़िया, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते हुए मर जाएं। आप हमें जाने दें। पति जी, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नहीं, आप सब यहीं रहें, मैं और मिठू ही जाते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मिठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है, हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिठू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो इसके छिलके तुम खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं, वहाँ फल भी हैं और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर कौवा तुरंत कहता है। क्या, पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पढ़ेंगे चोरों को मोर। प्यारे दोस्तों, कबूतर की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियाँ भोजन से भर कर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियाँ खोले, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियाँ खोलती है तो मिठू तुरंत बोलता है। ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं, ये कौवे ने जरूर मेरे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। तो फिर हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते देख रहा था।
काले कौवे चल भाग यहाँ से, हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है, अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। वाह वाह, बड़ी मजे की है ये लाल मिर्ची। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया ये सच है कि मैंने ये भोजन आप सबका ही चुराया था, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। चिड़िया और गोरी कौवी नदी पर पानी पी रही थी कि गोरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। रानो चिड़िया देखो तो जरा, सामने घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गोरी बहन इसमें तो एक अंडा भी है, ना जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानो चिड़िया उस घोंसले से वो अंडा उठा लेती है। चिड़िया मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गोरी बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं और ना ही कोई देख रहा है, तुम ऐसा करना इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गोरी बहन इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु अगर आपको कहीं से इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना, मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुंचाकर ज़्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा तो इस दुनिया में अगर सबसे पहले मुझे ही देखेगा वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे दो दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह थी जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो तो था भी किसी चिड़िया का ही बच्चा। रानो चिड़िया तो उस बच्चे को देख बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा मुझे जल्दी जल्दी से कुछ खाने को दे दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा मम्मा पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत जोर लगा है मेरा इस अंडे को तोड़ने में। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं, मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है, बस जल्दी से वो फल मेरे पास कर दें। फिर वह बच्चा कुछ फल खाता है, वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। वो चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी, उस चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं मर जाऊंगी, कहीं गोरी कौवी ना किसी को बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह गोरी कौवी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे का उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचती हुई वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे रोज चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। आओ भी चिड़िया, कैसे आई हो और उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था। गोरी बहन बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से, और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। है तो चिड़िया का बच्चा ही ना। हाँ हाँ गोरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्चे के बारे में ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती, मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो फिर क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास।
इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूँगी और उसे इतना प्यार दूँगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती और तरह तरह के भोजन। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती और भोजन की खोज करना, और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम रोज रखा था। फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है कि बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई माँ करती है। चिड़िया, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चला अभी तक इस बच्चे को। गौरी चुप कर जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो। तो फिर थोड़ा मेरे पास आओ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को ये ना पता चले तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में तुम्हें भोजन देकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं आप, पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं की। बस इसी दिन का इंतजार था कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो और कब मैं ब्लैकमेल करूं तुम्हें। लो फिर भूल ना जाना, अगर कल भोजन ना पहुंचा तो। आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं कल भोजन दे जाऊंगी आपके घोंसले में ही। फिर वो शैतान कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी आपसे क्या बात कर रहे थे। कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वो चिड़िया रोज हमें भोजन दे जाया करेगी, इसी डर से कि हम बता न दे उसके बच्चे को कि वो चिड़िया उसकी असल माँ नहीं है। और वो चिड़िया अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे वो चिड़िया हर रोज शाम को आती हुई कौवे और कौवी के लिए भी भोजन लेकर आती। वो पहले उनके पास जाती, उन्हें भोजन देती और फिर बाद में अपने घोंसले में जाती। रोज मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो। मम्मा, ये कैसे बातें कर रही हैं आप, कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है। और आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास रहोगी। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती कि कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि चिड़िया तो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और कौवी फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो। बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे, आखिर ये नदी वाली बात क्या है। कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी भी कराता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के पास बैठो। फिर रोज वहाँ से चला जाता है। वो पेड़ के पीछे से आकर पास में ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा कौवों को हर रोज भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल, और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना। परंतु कौवे और कौवी, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी आपका। हमारे सारे काम तुम ही करोगी, और अगर ज्यादा चूंचूंगी तो बता दूंगा तुम्हारे रोज को। जिस अंडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी, और तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। रोज ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, भाग जाओ यहाँ से कौवे और कौवी, अब के बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी मम्मा हो, हम हमेशा साथ रहेंगे।